नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। इटावा में आज बीजेपी से टिकट न मिलने पर नाराज चल रहे अशोक दोहरे ने आज कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। अशोक दोहरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब हमने 2014 में भाजपा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब हमने 2.25 लाख से चुनाव जीता था और इस बार कार्यकर्ताओं में ज़्यादा जोश है, इसलिए अब की बार 2 लाख से भी ज़्यादा वोट से जीतेंगे। दोहरे ने कहा, जब जब हम किसी पार्टी से चुनाव लड़े हैं तब तब हम अच्छे वोटों से जीते हैं और इस बार भी हम अच्छे वोटों से जीतेंगे और देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ और पैदल हमारे साथ यहाँ कर नामांकन पत्र दाखिल करवाया। और जैसा कि कार्यकर्ताओं में बड़े पैमाने पर उत्साह है, जब मैं 2014 में चुनाव लड़ा था तो 2.25 लाख वोट से चुनाव जीता था और इस बार कार्यकर्ताओं में पहले से ज़्यादा जोश है, अब की बार 2 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीते। किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे जनता के बीच में? मुद्दे आम आदमी की जो आवश्यकता है कि नंबर एक उसको सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और विकास मिले। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस देश का नागरिक बड़े पैमाने पर सम्मान सुरक्षा से वंचित हुआ है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व में जो इस देश में सकारात्मक माहौल बना है और जहाँ तक मैं समझता हूँ, और वैसे भी मैं 2 बार चुनाव लड़ा, मैं जब 2007 में चुनाव लड़ा तो जिस दल से लड़ा उस दल की बहुमत की सरकार बनी, 2014 में लड़ा तो उस दल की बहुमत की सरकार बनी और मैं जान कह सकता हूँ कि 2019 में भी मैं कांग्रेस से लड़ा हूँ, कांग्रेस की भी बहुमत की सरकार बनेगी और माननीय राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। अगर आप जीतते हैं तो इटावा के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो सम्मान सुरक्षा की है और ख़ास तौर से विकास तो इटावा में पहले भी होता रहा, कांग्रेस की देन है। जब इटावा था तो भारत सरकार के 2 बड़े उपक्रम NTPC और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो नवरत्नों में से एक है गेल सहित, वो कांग्रेस ने यहाँ स्थापित कराने का काम किया था इस लोकसभा क्षेत्र में। फिर इटावा दोबारा से जब कांग्रेस सत्तासीन होगी तो इटावा में और भी भारत सरकार के बड़े उपक्रम लगाए जाएंगे। पेशा इटावा से राहुल तिवारी की खास रिपोर्ट।